हेलो लेडीज़ एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दिशाज रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज भी हम लोग एक उत्तराखंड की यानी कि जो रीजनल रेसिपी है वो लेके आए हैं, उसकी एक स्पेशल चटनी और इंस्टेंट डोसा आज हम लोग देखने वाले हैं। किड्स के लिए, टिफ़िन के लिए बहुत ही हेल्दी डिश है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रेसिपी के लिए। तो चावल का डोसा बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे, ये चावल का आटा लिया है मैंने 1 कप। उसके बाद ये एक बड़ा वाला प्याज बारीक कट करके लिया है, एक छोटी हरी मिर्च ली है। अगर आप छोटे बच्चों को के लिए ये बना रहे हो तो बहुत ही थोड़ी मिर्च आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। हरा धनिया लिया है बारीक चॉप किया हुआ और स्वाद अनुसार नमक। तो सबसे पहले हम लोगों को बैटर कैसे बनाना है वो हम लोग देखते हैं। तो बैटर बनाने के लिए सबसे पहले जो हम लोगों ने चावल का आटा लिया है वो ले लेते हैं। थोड़ा सा बड़े बाउल में हम लोगों को लेना है, जो मिक्सी का बाउल हम लोग यूज़ करते हैं जनरली उसी में करना है, ताकि हम लोगों को जो बैटर बना है वो ठीक से बनाना हो जाए। तो ये जो है चॉप किया हुआ ऑनियन, छोटी सी हरी मिर्च, हरा धनिया और स्वाद अनुसार नमक। तो सबसे पहले जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद डालेंगे पानी। कंसिस्टेंसी हम लोगों को बिल्कुल बराबर, जैसे हम लोग डोसे का बैटर बनाते हैं बिल्कुल वैसी बनानी है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। और थोड़ा पानी हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए हमारे जो ये डोसे का बैटर है वो बनकर तैयार हो गया है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बिल्कुल बराबर से है। अभी हम लोग इसकी चटनी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये एक 10 से 15 मिनट के लिए बाजू में रख देते हैं और इसकी चटनी कैसी बनानी है वो देख लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये है मूँगफली, लगभग हाफ बाउल मैंने मूँगफली ली है। कड़ी पत्ते लिए हैं 7 से 8, उसके बाद 3 से 4 अदरक लहसुन लिया है, लहसुन की कलियाँ। उसके बाद ये है टैमरिन वाटर यानी कि जो चिंच का पानी रहता है वो लिया है। 1/2 टीस्पून हम लोगों ने लिया है लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा। तो जो हम लोग बिल्कुल जैसे साउथ इंडियन डिश में जो चटनी रहती है बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग ये चटनी आज बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले पैन में ऐड करते हैं 2 to 3 tablespoons ऑफ ऑयल। तो तेल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें डाल देते हैं 1/2 टीस्पून ऑफ जीरा, 7 से 8 कड़ी पत्ते और 3 से 4 लहसुन की जो हम लोगों ने कलियां ली है वो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद तुरंत हम लोग इसमें ऐड करेंगे मूंगफली और थोड़े से जैसे हम लोग पोहा वगैरह बनाते हैं थोड़े से लाल हो जाते हैं वैसे ही हम लोगों को बिल्कुल जो मूंगफली है वो सेक के लेने हैं। उसके बाद डाल देते हैं 1 teaspoon ऑफ लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और ये टैमरिन वाटर। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे से। तो देखिए ये मूंगफली ने हमारा जो इमली का पानी है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। बस अभी इसे अच्छे से हम लोगों को ठंडा कर लेना है और मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से इसकी पेस्ट बना लेनी है, फिर हमारी चटनी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम लोग डोसा बना लेते हैं और बस इस तरह से पोर करना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखिए। और देखिए हमारा जो ये डोसा है
वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। बहुत आसान तरीके से ये बनता है। और अगर आप थोड़ा सा उसको मोटा उसकी लेयर डालोगे तो निकालने में भी परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने घील और तेल दोनों का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो बस रेडी हो गई हमारी डिश। तो ये चटनी भी बहुत सुंदर लगती है इसके साथ खाने के लिए, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत क्विक रेसिपी है, छोटे बच्चों के लिए, किड्स के लिए आप कभी भी बना सकते हो। जैसे हम लोग रवा उत्तपा, रवा डोसा वगैरह बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।